वो किस दूरदृष्टि के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं उसको समझो। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उस दिशा में बड़े सधे तरीके से सतर्कता के साथ और दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोला तूने? रही बात आलोचना की, तो जो लोग थर्ड अटेम्प्ट में तीन डिजिट तीसरी डिजिट नहीं टच कर पाए वो अपनी कुंठा हताशा वो व्यक्त करेंगे, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो अगर लच्छेदार बातों से नौकरियां बन जाती तो पिछले 10 साल में सबके हाथों में नौकरियां होती। बात तो सही है। जलेबी गढ़ने से नौकरियां नहीं बनती हैं। नौकरी बनाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट, कहां पर नौकरी बन सकती है, कैसे बन सकती है वो समझना पड़े। अभी और सुन, इन्होंने कृषि का बजट काटा, इन्होंने शिक्षा का बजट काटा, इन्होंने स्वास्थ्य का बजट काटा, इन्होंने रक्षा का बजट काटा, तो इन्होंने पैसा दिया कहां है? मांगते हैं आप इनसे रोजगार पे सवाल पूछ रही है, ये जनधन अकाउंट बता रहे हैं। आप लोग जो स्कीमें बनाते हैं उनका नतीजा ये होता है कि इनॉग्रेशन इधर किया एयरपोर्ट का और उधर वो टूट के गिर जाता है, यहां पुल का इनॉग्रेशन किया सड़क धस जाती है। इस तरह का आपका क्रियान्वयन है। फीस देने में कमर टूट रही है लोगों की, अस्पताल का बिल भरने में नानी याद आ रही है, ये कहते हैं महंगाई नहीं है, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग, पेंसिल तक पर तो जीएसटी लगाया हुआ है। आज असलियत ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स पिछले 4 सालों में चौगुना हुआ है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट चौगुना हुआ है और कॉर्पोरेट टैक्स घटके 16% पे आ गया है। इनकम टैक्स और जीएसटी कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है, हमसे और आपसे कॉर्पोरेट से ज्यादा वसूला जा रहा है। ये किस तरह से नैतिकता है, ये किस तरह से मैं कहूं कि ये मिडिल क्लास और गरीबों की सरकार है? क्या किया आपने मिडिल क्लास के लिए इस बजट में, हमें जरा जरूर समझाइए क्योंकि समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कहा कि मिडिल क्लास की बात, तो मैंने पुनः कह दिया, जिन्होंने मिडिल क्लास की सारी संपत्ति खींचने की व्यवस्था करके अपने घोषणा पत्र में भी रख ली थी और जिन लोगों ने घोषणाएं इस प्रकार की कर थी वो लोग आकर ये कहने का प्रयास करते हैं तो मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न। दिल्ली में घनघना रहे, वहां झुंझुना रहे, ये सच क्या है, वो सच है या ये सच है, कृपया ये बात बता दे। जब पूरा पूछो तो पश्चिम, उत्तर पूछो तो दक्षिण पहुंच जाएंगे। आपने सवाल पूछा मिडिल क्लास पर, गिनाने लगे इनकी सरकारों ने क्या किया था। अरे हमारी सरकारों ने किया था आज सरकार में आप हैं। आइए मिडिल क्लास भी इंतजार कर रहा है। मिडिल क्लास के लिए तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इस हमारी सरकार आने के बाद जीवन स्तर में सबसे बेहतर सुधार हुआ है, एक सिर्फ आंकड़ा जो हमारी सरकार का नहीं है, इस समय देश में 8 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है, अगर ऑटोमोबाइल है मतलब 2-व्हीलर या 4-व्हीलर, अगर हवाई जहाज में चलने वालों की संख्या 4 गुनी हुई है हमारी सरकार में आने के बाद, तो हवाई जहाज में चलने वाले लोग कौन हैं? आप जाके चेक कर लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर के मकान खरीदने वालों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई है, वो लोग कौन हैं? वो मिडिल क्लास नहीं है तो कौन है? स्मार्टफोन 15 करोड़ से 64 करोड़ हो गए हमारे जमाने, स्मार्टफोन कौन क्लास खरीदता है? हर क्लास खरीदता है सर, आप गांव में चले जाएंगे वहां पर सब खरीदते हैं। अच्छा सुनिए, सब खरीदते हैं लेकिन एक तो 1 करोड़ वाले में, 1 करोड़ वाले में आप फंबल कर गए सर। ये हमारे दिल के बहुत करीब सवाल था ना, इसलिए सवाल पूछा। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, ना हम बजट में कोई फायदा ले पा रहे हैं, ना इनकम टैक्स में हमें कोई रिलीफ मिल रही है, घर का ईएमआई भर भर कर सर हमारी कमर टूट रही है लेकिन कुछ हासिल हमें नहीं हो रहा है। हम लगे हुए हैं सर राष्ट्र निर्माण में। ऐसा है कि महंगाई आपसे काबू में नहीं आ रही है, ये पेट्रोल डीजल पर टैक्स कौन दे रहा है? मिडिल क्लास दे रहा है। ये किन आंकड़ों की बात करते हैं? स्वास्थ्य में कोरोना के बाद दुनिया के देशों ने 10-10, 12-12% कर दिया बजट, हमने 3% से घटाकर अपना हेल्थ बजट 1.8% कर दिया। आपने 13 बार एक्साइज बढ़ाया, 3 बार बहस घटाया, घटा दीजिए एक्साइज एक बार में लगातार, देखिए कितना सहूलियत आती है, देखिए सब्जियों में जो दाम में आग लगी हुई है वो कम हो जाता है।